साथियों, वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। और इसके जीवन चक्र के बारे में वीडियो में बताया है, वीडियो के लास्ट में मैंने फोटो डाली है इसके पूरे जीवन चक्र के बारे में। इसको बिल्कुल ध्यान से आप देखें, और जिस मक्खी से फैलता है उस मक्खी की फोटो भी मैं आपको इस वीडियो पर अंकित कर दूंगा, ताकि आपको ध्यान हो जाए। तो लेकिन इस वीडियो को देखना पूरा है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। धन्यवाद। किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों, मैं अमित महला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आज दिनांक 29 जून 2023 है, तीस जून 2023 है, और आज भी हम एक विशेष विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं, जिसके बारे में काफ़ी किसान साथी परेशान भी हैं इस समय में, और ये उस कीट का समय भी है, तो उसके विषय में हम बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि जिन भी किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन घंटी को दबा के आल पर क्लिक कर लें। घंटी जैसा नुमा एक आएगा, जब भी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसको आल पर क्लिक कर लें। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी मेरे द्वारा वीडियो आप लोगों के बीच में आएगा, वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और जो भी लाइव प्रोग्राम आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो साथियों, आज हम बात करते हैं गुलाबी सुंडी के बारे में, जिसका प्रकोप इतनी भयंकर होता है कि ये मानने कि एक एकड़ में अगर 8 क्विंटल या 10 क्विंटल के आसपास कॉटन होना है तो गुलाबी सुंडी का अटैक हो जाता है, तो फिर वो 2 या 3 क्विंटल पर ही उत्पादन हमें दे पाती है, और इसका प्राथमिक उपचार करना अति आवश्यक है। गुलाबी सुंडी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक मक्खी आती है, बिल्कुल वो कैसी रेत कलर जैसी मक्खी होती है, जो दिखाई बहुत कम देती है, और वो अंडा देती है, जो भी कॉटन का कोमल हिस्सा होता है तने के बीच में या फूल के बीच में, अपना अंडा देती है। अंडे का जो समय होता है वो 4 से 5 दिन का होता है। अंडे का समय 4 से 5 दिन का होता है, जो उसके ऊपर अंडा दे के चली जाती है, यानी अलग चली जाती है। दूसरा, जब वो अंडा अपने में तब्दील होता है तो वो लार्वा बनता है, जिसका टाइमिंग 10 से 14 दिन का होता है। और लार्वा के बाद जो बनता है प्यूबा, लार्वा के बाद जो बनता है प्यूबा, वो 8 से 15 दिन या 16 दिन के बीच का वो टाइम होता है। उसके बाद जो होता है वो वयस्क की स्थिति में आ जाता है, सुंडी का रूप धारण कर लेता है वो, और वो पूरा अपना जीवन काल जो होता है, उसका जितना भी पूरा जीवन काल होता है, वो सारा उस कॉटन के ऊपर व्यतीत कर देता है। अगर उसको सही समय के ऊपर देखा नहीं गया हो, या सही समय के ऊपर उसके ऊपर रोकथाम ना की गई हो, तो मैंने इसके 2 चरण बताए हैं। सबसे पहले अंडा, फिर उसके बाद लार्वा, फिर उसके बाद प्यूबा, फिर उसके बाद वयस्क। यहां से ये इनका चक्कर होता है गुलाबी सुंडी का। अच्छा, ये अटैक कहाँ करती है? अटैक तने में भी अटैक कर सकती है, फूल के अंदर भी आपको मिल सकती है, और दूसरी हम बात करें, ये जो हमारी जो वो लगते हैं टिंडे लगते हैं, फल लगते हैं, उसके अंदर भी इसका प्रकोप होता है। लेकिन ये कुछ गलतियां हमारी होती हैं, उस वजह से भी गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है, यानी हमारी क्रॉप्स में कोई कीट है ही नहीं, या कोई कीटनाशक की जरूरत है ही नहीं, और उस समय हम कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो मित्र कीट हमारे कॉटन के अंदर हैं, जो बैठे हैं, वो कीट मर जाते हैं। क्योंकि जब ये मक्खी अंडा देगी, अगर मित्र कीट वहां पर हैं, तो मित्र कीट उन अंडों को नष्ट करने का काम करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम भयंकर दवा जो है, जो रासायनिक पेस्टिसाइड जो है,
उसका उपयोग करते हैं, तरह तरह की पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, और पेस्टिसाइड से ये कंट्रोल होता भी नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो ये कुछ समय के लिए रोकथाम हो जाएगी सी, लेकिन अगला जो दौर आएगा इसका, वो दौर बहुत भयंकर रूप से आएगा, और इतना आएगा कि आप चाहे भले ही कितनी भी रासायनिक क्यों ना डाल लें। कभी कभार तो हमने देखा है, सुना भी है कि कृषि मंत्रालय के भी पसीने आ जाते हैं, कृषि विभाग के भी के अधिकारियों के पसीने आ जाते हैं कि इसको हम कंट्रोल कैसे करें। तो हम तो जैविक खेती करते हैं, रासायनिक में इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, चाहे आप कैसे से कैसा, कितने से कितनी महंगी दवा लाकर क्यों ना इसके ऊपर हम डाल सकें। तो जैविक में हम इसका एक समाधान आप लोगों को बताएंगे, वो समाधान आप कर लीजिए। एक तो ट्रिप पीले कलर की जो ट्रिप आती है ना, एक एकड़ में 4 या 5 वो लगा लीजिए सबसे पहले। अगर वो ट्रिप आप लगा लेंगे तो ये जो इसकी जो वैक्सक जो मक्खी होगी वो ट्रिप में चली जाएगी, ट्रिप में चली जाएगी, उसको चिपक जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर नर ख़त्म हो गया तो वैक्सक अंडा नहीं दे, तो मादा अंडा नहीं दे पाएगी, तो अंडा दे नहीं दे पाएगी तो इसका जीवन काल वहीं से समाप्त हो जाएगा। या मान लीजिए कार्नवस अंडा दे दिया और आपको दिखाई नहीं देता है, वो अंडा ना के बराबर होता है, दिखाई नहीं देता है। अगर अंडा उसने दे भी दिया तो उसके बाद हम मान लीजिए हमें पता चल गया कि मक्खी ने अंडा दे दिया, वो बिल्कुल नाजुक होते हैं, बिल्कुल हल्के बारीक होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उस समय मान लीजिए किसी कारणवश आपको पता चले आपके अड़ोस पड़ोस में उस सुंडी का प्रकोप हुआ है, तो आप तुरंत नीम की निमोली का कीटनाशक या 3000 PPM में नीम ऑयल आप अवश्य खरीद के पहले तैयार रखें, और साथ में अनेंसर, सबसे बड़ा रामबाण इलाज जिसका यही है, अनेंसर नीम की निमोली का कीटनाशक या नीम ऑयल 3000 PPM में अपने पास आप रखें। उसका छिड़काव आपको करवाना है, और छिड़काव की विधि कैसे है, जैसे 15 लीटर का आपका स्प्रेयर का पंप है, उसके अंदर नीम की निमोली का कीटनाशक 2 लीटर और नीम ऑयल 100 ml और बाकी जो है अनेंसर का घोल उसमें आपको डाल के छिड़काव करवा देना है। और छिड़काव भी आप अगर इसके प्रकोप से बचाना चाहते हो तो हर 10 दिन के अंतराल से आप छिड़काव करवाएंगे, शुरुआती समय में इसको रोकथाम कर देंगे तो ये आगे आपको नुकसान नहीं करेगी। ये तने को भी खराब करती है, फूल को भी खराब करती है, और वो कहते हैं जो हमारा फल होता है उसको भी खराब करती है। ट्रिप लगाएंगे ना, तो ट्रिप लगाएंगे तो आप अगर वहाँ देखेंगे कि आपने ट्रिप लगा दिया, पीले पीले कलर का जो आता है मार्केट में मिल जाता है आसानी से, वो ट्रिप अगर आप लगाते हैं, आप सुबह जैसे मान लीजिए उसको देखते हैं तो उसके अगर 7 से 8 मक्खियाँ अगर चिपटी हुई मिलें तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर मक्खी का अटैक हो चुका है और उसने अंडा देना स्टार्ट कर दिया है। उसी दिन आप बगैर किसी से पूछे सीधा आपको ये छिड़काव कर देना है। दूसरा तरीका, कनेर के पत्तों का कीटनाशक, सबसे पावरफुल कीटनाशक है कनेर के पत्तों का, क्योंकि जैसे ये मक्खी उसके ऊपर बैठेगी वो इतना जहरीला होता है वो कीटनाशक कि वो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा अगर वो आती है ना समेल आती है तो उसमें कनेर के पत्तों में बहुत दुर्गंध जैसा होता है आती है, तो वो या तो पहले बार तो वो या तो उस कॉटन पर बैठेगी नहीं, और बैठ भी गई तो तुरंत वहाँ से फरार हो जाएगी। तो कनेर के पत्तों का कीटनाशक अनेंसर के साथ में मिला के आपको छिड़काव कर देना है, वही मात्रा वही रखनी है, 15 लीटर के स्प्रे के पंप में 2 लीटर कनेर के पत्तों का कीटनाशक, बाकी अनेंसर का घोल आपको यूज करना है। और ट्रिप तो आपको कोई भी क्रॉप आप लगाएं, जैसे वेजिटेबल की क्रॉप लगाते हैं या कॉटन की लगाते हैं जिस पर मक्खी सफ़ेद मक्खी इत्यादि का प्रकोप ज़्यादा आता है, तो वहाँ ट्रिप तो अवश्य लगा लेनी चाहिए, उनका कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, वो बिल्कुल कम खर्चे में आप आसानी से उनको लगा सकते हैं और वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। तो ये 2 तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका, अगर हो सके तो शाम के समय में, हो सके तो शाम के समय में आप चारों कॉर्नर में जो गोबर के उपले जो बनाते हैं, गोबर के जो उपले बनाते हैं उसका धुआं भी आप कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल आपको मिल सकता है। लेकिन शुरुआती कीटनाशक जब भी आप डालें तो सोच समझ के डालें, अगर कोई रोग नहीं है
कोई पत्तों को नुकसान नहीं हो रहा है, गुलाबी सुंडी का कोई अटैक नहीं है, तो आप कीटनाशक ना डालें रासायनिक। जैविक डाल सकते हैं, जैविक तो चाहे आप भले ही 15 दिन के बाद डाल दीजिए, 15 दिन की जब कॉटन आपकी शुरू हो जाए उस समय करना शुरू कर दीजिए आप। नीम की निमोली का कीटनाशक है या अन्य कोई कीटनाशक है, उसकी शुरुआत आप उसी समय कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि नीम को ज्यादा नहीं है, वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर आपके पास है, और तरल वेस्ट डिकम्पोजर अगर आपके पास है तो उसमें बनाना नीम की निमोली आप काफी लगी हुई है, अब भी टाइम है, 10-12 दिन में ये तैयार हो जाएगा, अभी समय है आपके पास, 10-12 दिन में रेडी हो जाएगा, उसके बाद इसको आप अपने होटल में इसका यूज करें, बहुत शानदार बेनिफिट आपको मिलेगा। कनेर के पत्तों का, नीम की निमोली का नीम ऑयल, ये हमेशा हमारे किसान के पास होना चाहिए। और अनेंसर, अब अनेंसर की बात बार हम चर्चा करना उचित नहीं समझते, अनेंसर का मतलब ये है कि जो मात्रा आप डालेंगे उसमें, नीम की निमोली की डालेंगे, नीम ऑयल डालेंगे, या उसमें कनेर, आप कनेर के पत्तों का कीटनाशक डालेंगे, उसकी पावर को 10 गुना बढ़ा देगा, उससे उस अटैक से आपकी क्रॉप्स बचेगी। और अनेंसर के उपयोग, अनेंसर केवल कीटनाशक में ही काम नहीं करता है, ग्रोथ प्रमोटर भी वो है, ग्रोथ प्रमोटर का भी काम वो साथ साथ में करेगा, और ऑक्सीजन उसकी जहरीलेपन को तो खत्म करने का काम करता ही है। अगर रासायनिक फार्मिंग करने वाले हैं तो वो साथी भी अनेंसर अवश्य लें, ताकि उनको किसी तरह का नुकसान अपनी क्रॉप्स में ना उठाना पड़े, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मक्खी से शुरुआत होके पहले मक्खी अंडा देती है, अंडे के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा में कन्वर्ट होती है, और उसके बाद वयस्क में आती है, और फिर ये तने के अंदर नुकसान, तने में भी मिल सकती है, कोमल जहाँ भी होती है वहाँ ये तुरंत चली जाती है, फूल के अंदर भी मिल जाती है, आप मान लीजिए 2-3-4 फूल में अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, तो वहाँ भी अगर इसको आप देखेंगे, वहाँ अगर ये मिलती है तो इसको तुरंत आप यानी बगैर पूछे नीम की निमोली, नीम ऑयल, कनेर के पत्तों का अनेंसर के साथ में छिड़काव करवाइए, बहुत शानदार साथियों बेनिफिट मिलेगा। और आज के इस वीडियो की फीडबैक आपको अवश्य देनी है, क्योंकि गुलाबी सुंडी का प्रकोप जो आज से नहीं है, काफ़ी दिन से शुरू है ये, लेकिन अनेंसर अब की बार हम पहली बार इसका उपयोग कर रहे हैं उसमें गुलाबी सुंडी में, तो इसका रिजल्ट आप अवश्य बताइए वीडियो के माध्यम से, या कैसे भी आप जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उसके माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हमारा फार्मर महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदने से बच सके। तो इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति चाहूँगा, और मैं फिर निवेदन करूँगा जिन किसान साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया बेल आइकन घंटी को दबा कर आल पर क्लिक कर लें, और इस वीडियो से संबंधित या आपको किसी उत्पाद से संबंधित कोई जानकारी लेना है या किसी उसके बारे में पूछना है तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जाके आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।